हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स बाय द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड. सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ. हैं डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स, यानी कि बहुपद में त्रिपद का भाग कैसे देते हैं, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का डिवाइड करना है किसमें, इस पॉलीनोमियल्स में. दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आप किसी भी पॉलीनोमियल्स में मोनोमियल्स का डिवाइड कैसे देते हैं, ये भी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. साथ ही साथ आपको किसी भी पॉलीनोमियल्स में बाइनोमियल्स का डिवाइड कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. ये वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको जाके देख लीजिएगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो. अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है. इसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी चीज़ों को एक दूसरे को कनेक्ट करने में, ठीक है. बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, इस ये पॉलीनोमियल्स है, इस पॉलीनोमियल्स में आपको इस ट्राइनोमियल्स का डिवाइड करना है. डिवाइड कैसे क्या करना होता है, इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, इसको आपको पहले ध्यान रखना है. यहाँ भी जो आपको पॉलीनोमियल्स दे रखा है, इस पॉलीनोमियल्स का और साथ ही साथ में आपको इस पॉलीनोमियल्स का जो वेरिएबल की पावर होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. डिसेंडिंग ऑर्डर का सीधा सा मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर को आप घटते क्रम में लिखेंगे. यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर घटते क्रम में नहीं है तो पहले आप इसको अरेंज करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पे वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ये काम होने के बाद में आपको ये काम करना है, जो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, आपको इसका टेबल आपको इतने टाइम पढ़ना है कि आपको x पावर 9 आ जाए. जैसे आपको पता करना है कि आपको x का टेबल कितना, एक्स स्क्वायर का टेबल आप कितनी बार पढ़ें कि आपको x पावर 9 लाना है. तो आपको ये पता होगा कि लीनियर इक्वेशन जब आप सोल्व करते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता है, तो इसकी वैल्यू को इधर डिवाइड चला जाता है, ठीक है. यहाँ मल्टीप्लाई में तो आप इधर डिवाइड हो जाता है. तो आप सीधा सिंपल से ये समझ सकते हैं कि एक्स पावर 9 में आपको डिवाइड करना है एक्स पावर 2 का, ठीक है. जैसे ही आपको x पावर 9 में डिवाइड करते हैं x पावर 2 का, तो हमें पता है डिवाइड में वेरिएबल की पावर को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है. सीधा सिंपल सा है, तो यानी कि x पावर 9 में से आपको माइनस कर देना है x पावर 2, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा x पावर 7 आ गया. यानी सीधा सिंपल सा हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर में आप x पावर 7 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वैल्यू क्या मिल जाती है, x पावर 9 मिल जाती है, ठीक है. तो यानी कि हमें क्या पता चल गया कि एक्स स्क्वायर का टेबल आपको पढ़ना है x पावर 7 टाइम में. एक्स स्क्वायर का टेबल कितना टाइम पढ़ा है, x पावर 7 टाइम पढ़ा है. यहाँ पे लिख दिया गया, जो टेबल जितना टाइम पढ़ा जाता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है और जो आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है. इस फर्स्ट वाले टर्म के नीचे लिखना है. देखिए यहाँ कि आपको एक्स स्क्वायर का टेबल एक्स पावर 7 टाइम पढ़ा गया तो कितना आया, एक्स पावर 9 आ गया, ठीक है. यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 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 होता है तो प्लस का साइन आ गया. इसके बाद में इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 9 आ गया. अब साथ ही साथ आपको जिस प्रकार से आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ किया है, इसी प्रकार से यहाँ प्रत्येक टर्म जो भी रहेंगे, ठीक है. अगर मोनोमियल है तो एक टर्म का हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर यहाँ बाइनोमियल था तो हमने दो टर्म का मल्टीप्लाई किया. इसी प्रकार से यहाँ पे आपको थ्री टर्म दे रखे हैं, यानी ट्राइनोमियल दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल इसका भी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे जो आएगा उसकी उसी की पावर वाले वेरिएबल के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है. इसी प्रकार से आपने इसका भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो आएगा उसी पावर उसकी उस जो पावर होगा उसी पावर वाले वेरिएबल के साथ में उसको हम एड सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. इसी प्रकार से आपको इसका भी मल्टीप्लाई उसके साथ में करना है. देखिए मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे उसको समझेंगे. देखिए जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है. तो अब एक्स पावर 1 है और एक्स पावर 7 है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर को एड कर दिया जाता है, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर यहाँ पर हो जाएगा 8. इस प्रकार से हमें प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है एक्स पावर 7 टाइम में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है. एक्स पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक. अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना रहता है माइनस. इस वीडियो में ये समझा दिया था कि जब हम इसको माइनस करने जाते हैं तो इसकी नीचे वाले के जो साइन होते हैं वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं. साइन चेंज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसको जब हम माइनस करते हैं, माइनस में सारी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है. क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा होता है. ये वाले पूरे वाले वैल्यू में से इस वाले पूरे वाले वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि सेपरेट करना. सेपरेट करने जाएंगे तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. इसी प्रकार से देखें, यहाँ माइनस का साइन, अब हमको माइनस का मल्टीप्लाई, ये मान लो कि एक टाइप का क्या है, ब्रैकेट है. जब इस माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा. और यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस. ये हमने ब्रैकेट हटा दिया, जैसे भी आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन सबके चेंज हो गए, ठीक है. तो साइन चेंज हो गया मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दिया हूँ. अब हमें क्या करना है, अब हमें सबट्रैक्ट करना है. सबट्रैक्ट करना है यानी कि सेम वेरिएबल सेम पावर से सबट्रैक्ट हो जाता है वैल्यू. तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर 9 है और यहाँ पे भी एक्स पावर 9 है. जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया. अब इसके जो साइन है ना
नीचे वाले जितने वैल्यू होंगे इनके साइन को हम नीचे वाली वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। अब एक्स पावर 9 का जो साइन हो गया वो माइनस का हो गया, एक्स पावर 8 का जो साइन है वो प्लस का है, एक्स पावर 7 का साइन जो है वो है माइनस का। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, सेपरेट होता है। एक एक्स पावर 9 में से एक एक्स पावर 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया जीरो। और साथ ही साथ आप इसका चेक करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएंगे सेपरेट हो जाएगा, ये भी घट के कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और इसको भी आप प्लस माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। यानी कि आप यहाँ प्लस लगाओ माइनस लगाओ बात देखिए जीरो पे कोई साइन नहीं होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है। हम टेबल पढ़ने के बाद क्या करते हैं, टेबल पढ़ने के बाद जो संख्या होती है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, 2x पावर 6 माइनस 2x पावर 5 और प्लस 2x पावर 4 है, ठीक है। अब ये हमारे पास बचा है, इस वैल्यू को सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इसको और समझेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें वापस से टेबल कितने का पढ़ना है, एक्स स्क्वायर का टेबल, एक्स स्क्वायर का टेबल इतना टाइम पढ़ना है कि हमें कितना मिल जाना चाहिए, जो फर्स्ट वाले टर्म आ गए देखो एक्स 2x पावर 6, यानी कि 2x पावर हमें 6 लाना, 2x पावर 6 लाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपको 2x पावर 6 आ जाए। यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो आपको प्लस का साइन ही लाना है। तो आप क्या काम करेंगे, इसका डिवाइड कर दो, 2x पावर 6 में आप डिवाइड कर दो एक्स पावर 2 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x पावर 4 आ जाएगा। यानी कि आपको क्या पता चल गया कि एक्स स्क्वायर में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x पावर 4 का तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x पावर 6 मिल जाएगा। तो जो हमें जितना टेबल पढ़ना है, आपने एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ा है 2x पावर 4 टाइम पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x पावर 6 मिल जाएगा। आपको फर्स्ट वाले टर्म को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसका टेबल इतना टाइम पढ़ें कि ये आ जाना चाहिए। तो हमने इस एक्स स्क्वायर का टेबल कितना बार पढ़ा, 2x पावर 4 बार पढ़ा, तो हमारा कितना आ गया 2x पावर 6। इसी प्रकार से आपको इसका भी आप मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे, इस प्रकार से आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जो आएगा उसके नीचे लिखेंगे, इसके बाद में आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, वापस से जो आएगा उसको लिख दिया जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2x पावर 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 2x पावर 5। अब यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस 2x पावर 4 आ जाएगा। अब आपको वापस से माइनस करना है, जैसे वापस माइनस करने गए हैं तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकेट है, जब ब्रेकेट ये हटेगा तो ये साइन सबको चेंज कर देगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यह हो जाएगा माइनस का, अभी ब्रेकेट हट रहा है, ये हटा तो यहाँ कितना हो गया, प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि आपने इस ब्रेकेट में से इस ब्रेकेट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जब ब्रेकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर वाली वैल्यू को सबको चेंज कर देता है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाती है, कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पे चेंज करके बता दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट में हमें यह पता है कि सेम वेरिएबल सेम पावर होने पर वैल्यू सेपरेट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है, और ऐड हो रहा होगा तो ऐड कर देते हैं, सेपरेट हो रहा तो हम सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी कि सेपरेट किया जाएगा, 2x पावर 6 में से आपको 2x पावर 6 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। साथ ही साथ यहाँ पे आप चेक करेंगे माइनस प्लस, माइनस घटेगा यानी 2x पावर 5 में से 2x पावर 5 माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा जीरो। आप चाहे यहाँ प्लस लगाए या माइनस लगाए बात एक ही है। और साथ ही साथ आप इसका चेक करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 2x पावर 4 में से आपको 2x पावर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जीरो। अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है उनको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या क्या बचे थे इनको मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बचे थे ये वाले टर्म बचे थे, ये तीन टर्म बचे थे इनको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिए 3x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 3x, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका टेबल कितने टाइम पढ़ा था, एक्स पावर 7 टाइम पढ़ा था तो हमारा क्या आ गया था, एक्स पावर 9। इसके बाद हमने एक्स टेबल वापस से पढ़ा था 2x पावर 4, तो हमें क्या लाया था, 2x पावर 6 आ गया था। उसी प्रकार से अब हमें एक्स स्क्वायर का टेबल कितना टाइम पढ़े हैं कि हमारा कितना आ जाना चाहिए, 3x पावर 3 आ जाना चाहिए। यानी कि सीधा सिंपल सा क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर का टेबल कितना टाइम पढ़ा जाए कि आपका आ जाए 3x पावर 3 आ जाए, तो हमें क्या करना है, 3x पावर 3 में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर का। तो आप सीधा सिंपल देखें कितना हो जाएगा, 3x। यानी कि सीधा सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 3x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3x का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, एक्स स्क्वायर का टेबल आपको 3x टाइम पढ़ना है तो आपका आ जाएगा 3x पावर 3। इसी प्रकार से आपको माइनस एक्स का टेबल पढ़ना है 3x टाइम तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 1 का भी टेबल पढ़ना है इसके साथ में, तो जो आएगा इसके नीचे लिख देंगे और उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का टेबल आप पढ़ेंगे 3x टाइम कितना हो जाएगा, 3x पावर 3।
इसी प्रकार से माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स पावर टू। इसी प्रकार से आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। देखिए अब हमें माइनस करना है, माइनस करना मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको कर देगा माइनस, साथ ही साथ इसको भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और साथ ही साथ ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ब्रैकेट हट गया, माइनस का मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो ये आ गया। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि प्लस थ्री एक्स पावर थ्री में से आपको घटाना है थ्री एक्स पावर थ्री, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ये माइनस प्लस ये भी घट जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो थ्री एक्स है और यहाँ भी माइनस का थ्री एक्स, ये घट के कितना हो जाएगा जीरो। यानी कि सीधा सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया रिमाइंडर हमारा कितना गया जीरो। आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर रिमाइंडर आ गया जीरो, और साथ में आपको ये क्या हो गया, ये होता है कोशियंट। ठीक है, ये कोशियंट हो गया, कोशियंट कितना आ रहा है, ये पूरा हमारा कोशियंट हो गया, और साथ ही साथ ये क्या है, ये होता भाई साहब डिवीज़र। ठीक है, डिवीज़र, ये डिवीज़र होता है, और ये होते भाई साहब डिविडेंट, ये डिविडेंट होता है। ठीक है, इतना बड़ा क्या है, ये डिविडेंट है। अब आप चेक कैसे करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है, ये मैंने तो सोल्व करके आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये चेक करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर भी मेरे को लिखना पड़ेगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि रिमाइंडर को अगर मैं आर से रिप्रेजेंट करूँ, क्वेश्चन को आप क्यू से रिप्रेजेंट करूँ, और साथ ही साथ आपको ये डिविज़र है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूँ, और ये जो डिविडेंड है इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें कैपिटल डी से, तो फार्मूला क्या बन जाएगा वो लिख के मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। होता है फार्मूला होता है डी इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर आप कभी भी किसी भी डिवाइड को वेरीफाई करना हो तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या कहता है, ये डिविडेंट किसके बराबर होता है, ये जो डिविज़र होता है और कोशेंट होता है इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिमाइंडर रहता है वो उसको हम ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, ये वैल्यू आ जाता है जिसको बोलते हैं डिविडेंट, यानी कि भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं आप भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के बता रहा हूँ और सोल्व करके बता देता हूँ। डी क्या है, डी को हम डी रखते हैं, डी यानी कि ये वाली वैल्यू है। अब साथ ही साथ आप इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो देखो कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करना है एक्स पावर सेवन प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही साथ आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर जीरो आया। ठीक है, इसमें जीरो को ऐड करना है। देखो कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाले रूल में आपको समझाया था कि यहाँ पे अगर यहाँ ट्राइनोमियल्स है और इस ट्राइनोमियल्स में आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इस वाले टर्म का आपको प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है, और साथ ही इस वाले टर्म का भी आपको प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना, और इस वाले टर्म का भी आपको प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझेंगे। अब यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको करना है एक्स पावर सेवन प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स के साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस एक्स का मल्टीप्लाई आपको करना है एक्स पावर सेवन प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स के साथ में। ठीक है, इसके बाद में आपको प्लस वन का मल्टीप्लाई करना है एक्स पावर सेवन प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स के साथ में। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, हमको पता है सेम वेरिएबल होने पे पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स पावर कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टू एक्स पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल होने पे पावर को ऐड कर दिया जाएगा फोर और टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है कितना हो जाएगा थ्री एक्स पावर थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस एक्स पावर सेवन था तो एक्स पावर एट हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप माइनस प्लस क्या हो गया माइनस टू एक्स पावर यहाँ पे फोर है और ये कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स पावर टू हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि प्लस वन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू एक्स पावर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस थ्री एक्स पावर वन प्लस जीरो। देखिए यहाँ पे सेम वेरिएबल सेम पावर को एक साथ लिख देते हैं, एक्स पावर नाइन कहीं पे है क्या,
नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद में x पावर 8 है, x पावर 8 आता है तो x पावर 8 लिखेंगे। इसके बाद में x पावर 7 आता है कहाँ पे, यहाँ पे है, प्लस x पावर 7 लिखा जाएगा। इसके बाद में x पावर 6 आता है कहाँ पे, यहाँ पे है, तो प्लस 2x पावर 6 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, 3 फोर वाली पावर आएगी, फाइव वाली है तो फाइव वाली आ जाएगा, टू एक्स पावर कितना हो जाएगा, फाइव। इसके बाद में पावर फोर आएगी तो अब टू एक्स पावर फोर। इसके बाद में पावर थ्री, थ्री एक्स पावर थ्री। इसके बाद में पावर टू माइनस थ्री एक्स पावर टू। इसके बाद में पावर वन यानी कि प्लस थ्री एक्स। इसके बाद में कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू कहीं पर थी नहीं तो ये आ गया वैल्यू, ठीक है। यानी कि यह आपका आ गया डिविडेंट, ये है डिविडेंट। देखो चेक करो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आ गया हमारा डिविडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा डिविडेंट, डिविडेंट, डिविडेंट। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। देखिए आंसर चेक करके बताते हैं, एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 7 प्लस 2x पावर 6 माइनस 2x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 3x। ये आंसर हमारा परफेक्ट सही है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया। हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी पॉलीनोमियल्स में आप किसी भी ट्राइनोमियल्स का कैसे डिवाइड करते हैं, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, साथ ही साथ इसका वेरिफिकेशन भी आपको बता दिया हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करने में ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, अगर और सेकंड क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी कारण अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।